मुंबई की रानी गब्बास, मुंबई की शानी, चप्पल मुंबई की रानी, मुंबई की शानी, अच्छे अच्छों को पिला दे पानी। मॉर्निंग नंबर वन इसके साथ है फन। थैंक गॉड शी डजंट हैव अ गन। आली रे मालिश का। कुछ दिनों से मैं आपको म्याओ म्याओ के बारे में सुना रही हूँ। अचानक से आई बीन बिगिनिंग टू सी इट इन द न्यूज, आई बीन सीइंग इट इन द न्यूज़पेपर। आई गेस ऑल ऑफ अस गॉट कॉन्शियस एट द सेम टाइम, क्योंकि ये नाम जितना ही प्यारा सा और स्वीट सा लगता है, उसका काम उतना ही भयानक है। राइट नाउ मेरे साथ हैं सीनियर इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स सुहास गोखले। उन्होंने हमसे बात की टू टेल अस दैट ही इज विथ अस, और वो अलग अलग जगहों पे छापे मारेंगे। हाय मलिष्का, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ होने के लिए। सर, पिछले कुछ दिनों से आई हैव बीन टेलिंग पीपल अबाउट म्याओ म्याओ, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दिस। सर, अभी तक ये एक्ट में क्यों नहीं आया है? नारकोटिक्स एक्ट के तहत अगर कोई भी अमेंडमेंट होना है या नोटिफिकेशन आना है तो वो लोकसभा राज्यसभा में से पास होना चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर भी बॉम्बे पुलिस की तरफ से काफी कोशिशें चल रही है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, यंगर जनरेशन इसको सकम न हो। दो दो रात बच्चे सोते नहीं है और डायलेटेड पीपल्स, उसकी वजह से बिल्ली जैसी आंखें दिखने लगती है, इसलिए उसको म्याओ म्याओ बोल। मैंने कहा ना, नाम बड़ा प्यारा है, काम बड़ा वैसे टाइप का है। आप लोग क्या कर रहे हैं टू स्टॉप? हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक मेरा शक है, अगले कुछ महीनों में एमडी का प्रॉब्लम ज्यादा एग्रवेट हो सकता है अगर एक्ट में कवर नहीं हुआ तो, क्योंकि एग्जाम सीधा रहेगा। काफी बार ऐसा होता है कि स्कूल के कॉलेज के बच्चे साल भर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, लास्ट एक महीना तक बच्चे जाग के पढ़ाई करते हैं, इससे तुम्हें जागने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आई एम क्वाइट शॉक्ड राइट नाउ, देयर मस्ट बी सो मेनी पेरेंट्स इवन जस्ट लिसनिंग टू माय शो गेटिंग सो वरीड, बट एट द सेम टाइम सेइंग कि नहीं, हम ये शो सुनेंगे, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। कितने रुपीज में मिलता है ये ड्रग? इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, जैसे आता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 150-200 रुपए पर ग्राम ये मिल रहा है। दो दिन पहले मैंने भी ये भी सुना कि कुछ एरिया में ये 70 रुपए में भी बिक रहा है, क्योंकि ये ड्रग में भी एडल्ट्रेशन होने लगा है। म्याओ म्याओ के जो क्रिस्टल आते हैं, दे लुक क्वाइट सिमिलर टू अजिनोमोटो, तो उसका भी थोड़ा सा उसमें हो रहा है। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस दीज वंडरफुल थिंग्स। इस सबको सुनिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन बातों को जाने। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये कब तक एक्ट में आएगा? मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में ये नारकोटिक्स एक्ट में इंक्लूड हो जाएगा। सर, आई होप दोज फ्यू डेज आर वेरी वेरी क्विक। कोई मैसेज फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस? ध्यान में रखो कि बॉडी का किसी भी चीज पे डिपेंडेंस अच्छा नहीं है। ट्राई टू लिव हेल्दी लाइफ। अगर तुम कोई भी ड्रग कंज्यूम करने की कोशिश करते हो, उसका एटलीस्ट सम पार्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेररिस्ट आउटफिट की तरफ जा रहा है। तो से नो टू ड्रग प्लीज, और अगर जरूरत होगी तो आप हमें कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम ड्रग मेनेस रोकने में आपकी मदद करेंगे, या अगर किसी को एडिक्शन लगा है तो डीएडिक्शन की हेल्प कर सकते हैं। तो सर, आप अपना पर्सनल नंबर देने वाले हो? यस, दिस आर माई पर्सनल मोबाइल नंबर। काफी जगह पे मेरे नंबर के पोस्टर लगे हुए हैं बम्बई में। मोबाइल नंबर इज 9821111362। अदर नंबर इज 9702383668। Wow. ये नंबर पे आप दिन रात मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दिन रात सर, यू आर टू कूल। नहीं, फोन कॉल किया, टेल अस अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद दिस ड्रग। मेरा खुद का भाई इन्वॉल्व था अभी फिलहाल में। पहले कांजा सीखा था वो, अब ये नया लेना चालू किया। ये ड्रग ऐसा है ना, जब मिलेगा नहीं ना अपने को तो ये एकदम घर के बर्तन तोड़ते एरिया में बहुत जनों के साथ हो रहा है। मुझे राहुल ने फोन किया, वेरी इंटरेस्टिंग फोन कॉल दैट ही मेड टू मी। आई थिंक यू मस्ट लिसन। मैं गोरेगांव से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको एमटीसी बोला जाता है। हमारे यहाँ पे मैडम इसकी बहुत सेलिंग है, 500 रुपीज ग्राम बिकता है, और मेरे फ्रेंड लोग इसके आदि है। मेरे सामने अपने फ्रेंड लोग को देखा हूँ मैं, लेते हुए पूरी नाइट लेते रहते हैं। आदि हो जाते कि सुबह मॉर्निंग में उठते उन लोगों को और चाहिए थे, और एक दो बार तो मैडम मैंने भी लिया हूँ, लेकिन अभी आपका शो सुनने वाला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मैं इसका नाम भी नहीं लूँ, क्योंकि इतना साइड इफेक्ट है, इतना मतलब प्रॉब्लम है उससे। तुमने अपने लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तुमने कहा कि तुम लोग करते हो, तो ये कहाँ से? दो तीन बंदे हैं जो कॉन्टेक्ट फोन करेंगे उनको, तो लोग हम लोग को लाके देते हैं। एक तो तीसरा लेता है एकदम बारीक पीस के, फिर स्नॉटर बना के नाच के दिया जाता है। दोस्तों पे इसका असर देखा क्या होता है ये? इसके बाद क्या होता है, अगर ज्यादा आवाज आ रही है या फिर कोई खाई कर रहा है तो फिर वो इंसान हाइपर हो जाता है, और उनको रात भर नींद नहीं आएगी, वो हाइपर हो जाएंगे। भी नॉर्मल में जो इंसान बात करता है तो उस तरीके से बात नहीं करेंगे मैडम, उनका बिहेव अलग हो जाता है। मुझे और चाहिए, अभी खत्म हो जाएगा, लास्ट लाइन है, किसी ने चिल्लाने लगा तो वो फिर हाइपर हो जाते हैं। फिर मतलब इतना हाइपर की वो मारने के ऊपर आ जाते हैं, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। राहुल, थैंक यू सो मच इस शो के जरिए। मतलब जब तुम लोग बोलते हो ना कि दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द शो, आधा तो हमने पुण्य ऐसे ही कमा लिया, हमें ऐसे लगता है। मलिष्का के साथ 93.5 FM बजाते रहो।
1, 2, 3, 4.